हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जो है आफ्टर इफेक्ट्स में एक रियल टाइम एनिमेशन जो है क्रिएट करेंगे। सो एनिमेशन क्या है, कैसे उसको क्रिएट करेंगे, उस पर बात करेंगे आज के वीडियो में। और जो है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एनिमेशन क्या है, और बाद में उस पर बात करेंगे कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इसको क्रिएट करने के लिए हम कोई प्लगइन या इफेक्ट वगैरह यूज नहीं करेंगे, बहुत ही बेसिक जो है उसको फॉर्मेट में हम लोग जो है उसको क्रिएट करेंगे। सो देखिए, ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखिए, आपको जो हैंड्स है वो वेव करते हुए दिखेगा। ऐसा ही चीज़ आप जो है अपने किसी भी पार्ट में लगा सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हो। अगर आपको हेड मूव कराना है, कुछ और मूव कराना है, मैं आपको हैंड्स दिखा देता हूँ कैसे मूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं जो है इस एग्जिस्टिंग पिक्चर को हटा देता हूँ। ये पिक्चर हम यहाँ पे ले आएंगे, पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है तो उसको जो स्केल कर लेंगे। स्केल करने के लिए आप एस प्रेस कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे स्केल का ऑप्शन दिखेगा। अपने कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। स्केल यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमको करना क्या है, हमको लेना है यहाँ पे पिन टूल, पपेट पोजिशन पिन टूल। इसको लेंगे, जहाँ जहाँ से हमको उसको मूव करना है वहाँ पे हम लोग कुछ एरियाज को पिन कर लेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने पिन किया, यहाँ पे कर लिया है, यहाँ पे एक यहाँ पे पिन कर लेते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो पिन करने के बाद आपको करना क्या है, सो पिन करने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो है यू प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपको सारे पिन यहाँ पे दिख जाएंगे। जितने भी हमने पॉइंट्स यहाँ पे बेसिकली लगाए हैं, सारे यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिखेंगे। जो पॉइंट दिखने के बाद में हमको करना क्या है, आपको इसको एनिमेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट को हमको एनिमेट करना है तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया है और आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो बाकी सारे जो हैं गोल है और ये जो फिल हो गया है, इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है। तो उसको एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने बार को ले आते हैं बिगिनिंग में, और बिगिनिंग में लाने के बाद में हम क्या करेंगे कि 7 नंबर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद में जैसे कंट्रोल दबाएंगे तो आपका जो है बार यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप ये चलना स्टार्ट होता है, आपने क्या करना है, इसको ऐसे मूव करना है जितनी देर आपको उसको हैंड शेक करनी है। कंट्रोल आपको दबा के रखना है, ये ध्यान रखना है, और बड़ा नाइसली आपको इसको मूव करना है जब तक कि आपका जो भी आपका कंपोजिशन का टाइम है, लाइक मैंने 10 सेकेंड्स लिया है, जब तक आपके 10 सेकेंड कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तो आप इसको हिलाते ऐसे रहिएगा जितना भी आपको मूव करना है। तो जैसे ही आपके 10 सेकेंड कंप्लीट होंगे हम इसको छोड़ देंगे। तो 10 सेकेंड कंप्लीट होने का वेट करते हैं। आपको जितनी देर मूव करना है मूव कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर 10 सेकंड मूव नहीं करना है, आपको उससे कम मूव करना है, तो आप उसको बीच में भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे आप छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ जो है आपको यहाँ पे की फ्रेम्स दिख जाएंगे यहाँ पे। सो देखिए, की फ्रेम जनरेट होने के बाद में ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जहाँ तक मैंने उसको यूज किया है वहीं तक जो है की फ्रेम्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं। सो आप जो है अपने अकॉर्डिंग उसको मूव करा सकते हैं। आपको स्लो करना है या फास्ट करना है, इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी चाहें तो यहाँ पे देखिए हर एक के लिए पिन आपको अलग अलग दिख रही है। आप चाहे तो हेड को भी मूव करा सकते हैं, आपका हेड भी मूव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको दोबारा से कंट्रोल दबा करके फिर से उसको स्टार्ट करना है और उस तरीके से आपका हेड भी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मैंने आपको एक इसलिए दिखाया है ताकि जो है हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सो बाकी चीज़ों के लिए भी आप लेग्स के लिए भी आप उसको एनिमेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप वॉकिंग का अगर कुछ इफेक्ट आपको दिखाना है तो बस आपको करना ये है कि यहाँ पे जो है आपको जिस पिन को आपको एनिमेट करना है उस पिन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो ये है कि ये जो ट्रांजिशन हो रही है थोड़ी ये जो है स्मूथ हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे पोजिशन पर जाएंगे और दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ एंट्री करने के लिए ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मूथ और एक ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे। तो जैसे ये करेंगे उसके बाद में क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन चल रही है ये जो है स्मूथ हो जाएगी। तो अभी आपको अट्रप्ट नहीं दिखेगी, थोड़ी स्मूथ ट्रांजिशन दिखेगी। सो इस तरीके से आप भी जो है अपने किसी भी कैरेक्टर के ऊपर में ये रियल टाइम एनिमेशन लगा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जो है आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको हैंड्स करके दिखाया है। आप चाहे तो हेड, आपका पैर वगैरह, कुछ भी आपके पास इस टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसको आप एनिमेट करना चाहते हैं, तो इस मेथड के थ्रू आप जो है ईजिली उसको एनिमेट कर सकते हैं।